नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज 30 नवंबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। नासिक रोड परिसर में एक ही रात अज्ञात चोरों द्वारा मेडिकल दुकानों में चोरी करने का मामला आया सामने। मेडिकल दुकानों का ताला तोड़कर दुकानों से हजारों रुपयों की कैश उड़ा ले जाने वाले इन चोरों की करामत से दुकानदारों में दहशत निर्माण हो गई है। वनी शहर के प्रगति नगर में 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। 29 नवंबर को यह खबर प्रकाश में आई, जिसके बाद परिसर में खलबली मची हुई है। गोपाल डांगे ऐसा मृतक युवक का नाम है, जिसकी मृत्यु की वजह अस्पष्ट होकर पुलिस द्वारा जांच जारी है। ससुराल में प्रताड़ित महिला द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने का मामला आया सामने। यह घटना उमरेड़ के घामापुर की है, जहां 35 वर्षीय महिला सविता जाधव के पति के दूसरी महिला से अनैतिक संबंध थे। 15 साल की शादी में बढ़ने लगी दरारें, जिसके चलते लगातार परिवार में हो रहे झगड़ों से त्रस्त होकर महिला द्वारा आत्महत्या करने की है जानकारी। इस मामले में 3 लोगों पर शिकायत दर्ज किए जाने की है खबर। शादी.com वेबसाइट पर हुई पहचान के बाद एक युवक ने खुद सेना में होने की झूठी जानकारी देते हुए युवती पर किया अत्याचार। जल्दी शादी करने का झांसा देकर युवती को बने अपने हवस का शिकार, जिसके बाद मामले का खुलासा होने पर पुणे के सिंहगढ़ पुलिस ने आरोपी युवक को अहमदनगर से गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल करने पर एक और खुलासा हुआ, जिसमें इस युवक द्वारा अन्य कई जगहों पर इसी तरह युवतियों को फंसाने का मामला सामने आया। डिजिटल मीडिया एसोसिएशन चंद्रपुर की ओर से न्यूज पोर्टल तथा यूट्यूब चैनल वालों के लिए एक स्पर्धा का आयोजन किया गया है। 6 दिसंबर पत्रकार दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में 9 दिसंबर को यह स्पर्धा का आयोजन किया गया है। पोमुरना में बाघ की दहशत लगातार जारी है। कोठारी वन परिक्षेत्र के बेड़ी में खेतों में काम करने गए किसान पर बाघ ने अचानक हमला किया। इस हमले में किसान के जख्मी होने की खबर है, जिसे उपचार के लिए रुग्णालय ले जाया गया। यह घटना सोमवार दोपहर 3 बजे के आसपास घटी, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल और भी बढ़ गया है। ठंडी के मौसम का चाहे आगमन हो गया हो, लेकिन अब भी बारिश का मौसम जाने के मूड में नहीं दिख रहा। राज्य में अकाली बारिश का दौर शुरू है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। राज्य में फिर एक बार अकाली बारिश की संभावना जताई गई, जिसके चलते मौसम में बदलाव साफ नजर आ रहा है। बीते दिनों सावली के वैनगंगा नदी के पुल पर से बोलेरो वाहन नीचे गिरने की खबर थी, जिसमें मौजूद सभी लोग जख्मी होने से रुग्णालय में उपचार ले रहे थे। तो अब जानकारी है कि इनमें से एक रुग्ण की दुखद मृत्यु हो गई है। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ब्रह्मपुरी तहसील के पड़ियाल भगवानपुर मार्ग पर स्थित ताला परिसर के पास 29 नवंबर को अचानक ट्रैक्टर पलटने की घटना प्रकाश में आई, जिसमें चालक विनायक दोटे की घटना स्थल पर ही दुखद मृत्यु हो गई। स्कूली छात्राओं की रक्षा के लिए पुलिस विभाग की ओर से पुलिस काका पुलिस दीदी उपक्रम शुरू किया गया। पोमुरना पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई। पुलिस विभाग के इस उपक्रम की सराहना की जा रही है। तो ये थी अब
आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सी टीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।